एंड वेलकम टू मेक मैथ सिंपल। जैसे कि हमने डेटा हैंडलिंग में पढ़ा था कि हम डेटा हैंडलिंग में क्या करते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने में, जैसे कि बार ग्राफ है, देन पिक्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, बहुत सारे मेथड्स है जिसमें कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पर आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे दैट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा जिसमें कि हम बार्स को ड्रॉ करके जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। जैसे कि बार ग्राफ में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं बार्स। नाउ ये जो बार्स है वो सारे जितने भी बार्स हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे उसकी विड्थ जो है वो सेम होगी एंड उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी सारे बार के बीच में सेम होगा, इक्वल होगा। एंड ये जो बार की जो हाइट है वो जो भी वैल्यू है, वैल्यूज जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए रहे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहित इन हाफ ईयरली एग्जाम। जैसे कि एक टेबुलर फॉर्म में आप देख रहे हो कि डेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। हिंदी में 80 मार्क्स आए, इंग्लिश में 60 मार्क्स आए, मैथ्स 80, साइंस 75 एंड सोशल स्टडी 70। सो जब भी हम कंपेयर करके देखें, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एंड ये बार ग्राफ में देखेंगे तो तुरंत हमें बार ग्राफ जो है वो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। बट यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारे मार्क्स हम देखेंगे, तब उसमें से पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है। बट अगर हम बार ग्राफ को देखें तो तुरंत हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सबसे छोटा बार है, दैट मीन्स इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आए। सो बार ग्राफ जो है बहुत अच्छे से जो इंफॉर्मेशन को है रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ से चाहिए। जैसे कि कौन से सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो बार सेम हाइट पे हैं, सो मैथ्स एंड हिंदी में सेम मार्क्स आए हैं। देन किसमें सबसे कम मार्क्स आए, तो ये सबसे छोटा बार है, सो इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है। फिर हम देख सकते हैं कि कौन से दो सब्जेक्ट में आस पास मार्क्स है, जैसे कि ये जो बार्स है दोनों वो एकदम क्लोज है, दैट मीन्स सोशल एंड साइंस दोनों में, एक में साइंस में 75 है एंड सोशल में 70 है, दैट मीन्स ये दोनों एकदम आस पास है। सो यही सारी इंफॉर्मेशन जो हम टेबुलर फॉर्म में इजीली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम बार ग्राफ से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हम सीखते हैं कि बार ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर में। पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी, उसके बाद मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसको दैट इज एक्स एक्सिस, एंड एक वर्टिकल लाइन है वो होगा वाई एक्सिस। जब हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की तो हम उस पर रिप्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सब्जेक्ट, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसमें हम मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है कि बार खड़े हैं स्टैंडिंग फॉर्म में। सो अब क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो हाँ ये दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस जो है दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज जीरो। नाउ ये वाला जो है पार्ट, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 80, 60, 80, 75, 70 ये तो बहुत बड़े नंबर है, उसको हम ग्राफ में इतने छोटे में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जरूरत होगी स्केल की। स्केल क्या होता है, स्केल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम लोग ये जो मार्किंग है इसको हम देखेंगे डायरेक्ट, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुरंत लेंगे तो 80 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम उसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये है 1 सेंटीमीटर, तो इस 1 सेंटीमीटर को हम क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब कि हमारा जो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी नंबर्स है उसका जो डिफरेंस है वो 10 है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो अब हम 80 वाले जो डेटा है वो इजीली इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हम स्केल यूज करते हैं। ये स्केल जो है वो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना स्केल के आप बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते।
सो उसके बाद हमने ये नोट डाउन कर लिया, सारे नंबर्स हमने लिख लिए। उसके बाद हम इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दिए है उसके अकॉर्डिंग हम बार्स ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा बार है वो कौन सा है, हमारा हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में कहां कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स है। सो हम बार ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहां पे है 80, तो यहां पे लाइन खींच के हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे। नाउ यहां पे हम लेबल कर देंगे हिंदी। सेकेंड हमारा है इंग्लिश। नाउ इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 60 मार्क्स। तो हम अगेन ये वाई एक्सिस में देंगे, यहाँ पे 60 है, सो यहाँ पे अगेन एक हम बार ड्रॉ कर लेंगे जिसकी हाइट 60 है। देन थर्ड इज अगेन 80, तो यहाँ पे हम फिर से वाई एक्सिस में देखेंगे 80 एंड फिर बार ड्रॉ करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है बार की विड्थ सेम होगी एंड दो बार्स के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि ये डिस्टेंस जो है वो सेम होना जरूरी है। अगर आपका बार जो है बार का दूसरे बार के साथ डिस्टेंस विड्थ सेम होनी चाहिए एंड उसके बाहर का जो डिस्टेंस है वो दूसरे बार के बीच के डिस्टेंस के साथ सेम होना चाहिए। नाउ वैसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारा जो बार ग्राफ है वो अच्छे से फॉर्म हो गया है। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं बार ग्राफ को हम ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करेंगे। सो ये हमारा ग्राफ पेपर है एंड क्वेश्चन नंबर वन जो है जो मैं ग्राफ पेपर में प्लॉट करूंगी वो है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ड्यूरिंग 2008 to 2012 इज गिवन विद। नाउ यहाँ पे हमें ईयर दिया हुआ है 2014 से 2018 तक, उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि कितनी कार्स उस ईयर में मैन्युफैक्चर हुए बनी है। सो उसे हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। नाउ इसके बाद यहाँ पे ये जो ईयर है उसको हम एक्स एक्सिस पे नोट डाउन करेंगे एंड नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड जो है उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे है 150, 250, 200, 325, 225। तो हम क्या लेंगे स्केल, स्केल जो हमारी होगी दैट विल बी स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लेंगे 50 कार्स। 50 कार्स को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 0 से 50, देन 100, देन 150, 200, 250, 300, 350, 400 से बड़ा हमारे पास नहीं है सो हम 400 तक ही लिखेंगे। उसके बाद अब हम जैसे कि 2014 में कितना दिया है 150, तो यहाँ पे हम पहले नोट डाउन कर लेंगे कि ये क्या है नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड एंड यहां पे हो जाएगा ईयर। सो पहला हमारा बार क्या होगा 2014 का जिसमें 150 कार्स मैन्युफैक्चर, 150 कार यहां पे है। सो यहां पे हम एक पॉइंट लगा देंगे एंड देन वी विल ड्रॉ द बार। सो हमने ये फर्स्ट वाला बार ड्रॉ कर लिया है, ये किसका है दैट इज 2014। सो यहां हम नोट डाउन करेंगे 2014। सेकेंड जो है दैट इज 2015 में कितना है 250 हमारा यहाँ पे है। सो हम एक जो यूनिट है उसको छोड़ देंगे एंड यहाँ पे 250 से एक और हम बार ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लेबल कर देंगे 2015। अगेन 2016 में कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई 200,
तो 200 यहाँ पे है हमारा, एक यूनिट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सो अगेन एक और बार बनाएंगे जिसकी हाइट 200 है। सो 200 यहाँ पे 2016, देन नेक्स्ट 2017 में 325। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 300 एंड 350 है, 325 नहीं है। सो इन दोनों के बीच का जो है 50 का हाफ होता है 25। सो ये वाला जो लाइन है जो एकदम लाइट सा है उसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम एक यूनिट छोड़ देंगे एंड यहाँ पे हम एक और बार ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम लेबल करेंगे 2017 एंड द लास्ट कौन सा है 2018 में 225। अगेन 25 जो है वो 50 का हाफ है, तो 200 से 250 के बीच वाला जो पार्ट है वो हम 225 लेंगे। सो यहाँ से हम लेबल करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट छोड़ देंगे एंड 2017 का जो बार है दैट इज 225 उसकी हाइट है। सो 2018, सो यहाँ पे ये जो है हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है।